हेलो बॉयज, गुड इवनिंग। तो अभी है मैं निम में, तो आज मेरा पहला दिन है। सुबह से तो हमारी लगी पड़ी है, सुबह से पहले रनिंग वनिंग, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ब्रीफिंग, इक्विपमेंट मिले, बहुत कुछ हुआ सुबह से। बट अभी थोड़ा फ्री है, इसके बाद फिर हमारा ब्रीफिंग है। तो अभी दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले आपको हमारा रूम रूम कैसा है, ठीक है। ये है 5 नंबर। हमारा रूम है, इसमें 6 बेड लगे हुए हैं, एक ऊपर करके पूरे टोटल, पूरी 6 अलमारी है, ऊपर फैन है, शीशा इधर है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ नीम की एक झलक आज, कि क्या क्या यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले तो मैं रूम से निकलते हैं, यहाँ सब देखो फोटोज लगी हुई हैं, जो सब देखो फोटोज लगी हुई है एक्सपीडिशन की, हर चीज़ की हमारी फोटो लगी हुई है नाम के साथ, ओके। यहाँ मेरे डिस्प्ले का रखा हुआ सामान, जो जो हमें सामान चाहिए, ये बढ़ते हैं हम फ्रंट ऑफिस की तरफ। फ्रंट ऑफिस में सब लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए रुके हुए हैं। इधर है हमारा टीवी रूम, हमारे टीवी लगी हुई देखने। इधर अगर स्लीपिंग बैग आप देख सकते हो, इधर सारा इक्विपमेंट है, हाथ में स्टैंड, ये सारी नोट्स हैं। तो रेडियो में अंधेरा हो रहा है, इस तरफ भी रूम से अगर फोटो लगी हुई है सबके वो। अरे सर कहते हैं इधर सारे नेम लिखे हैं, एंजल, मार्टिन, टाइगर, सारे रूम बैठे हुए हैं। जल्दी से आपको ले चलता हूँ अपनी किचन की तरफ दौड़ के। यह है एडवांस वालों का, यह हमारा काम नहीं, हमारा बेसिक। तो यह हमारा डाइनिंग हॉल, तो सब यहीं खाएंगे भोजन, ठीक है। तो यहीं होगा हमारा भोजन, यहीं होता है, ठीक है। पूरी व्यवस्था अच्छे से है। फिर चलते हैं आपको, अब दिखाता हूँ नीम का आपका बाहर। तो गाइस ये है फ्रंट ऑफिस यहाँ का। आ जाओ सारे स्टूडेंट पीछे, तो आपको इस तरफ सारे रूम्स हैं, ये पूरा पीछे हॉल है स्टूडेंट्स। चलो आपको ले चलता हूँ रॉक क्लाइंबिंग वॉल की तरफ, चलो रॉक क्लाइंबिंग वॉल की तरफ। आर्टिफिशियल वॉल है, ये भी शायद हम चढ़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है, आगे के ब्लॉग भी देखते रहना, बहुत मजा आएगा। और जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या है यहाँ पर। यह है पाइन वॉल, अंतर्राष्ट्रीय शिलारोहण, उसके बाद आता है आपका सुंदरवन। यह अभी पूरा हॉल बनना है, ज्ञान हॉल करके है। इस तरफ है हमारा आर्टिफिशियल वॉल जो हम करेंगे क्लाइंबिंग। अब चलता हूँ आपको लेके उस तरफ, ठीक है। तो बस ये नीम ऊंचाई है यहाँ 4300 फीट होगी शायद,
की लेवल। हम आपको ले चलते हैं जल्दी से मूर्ति दिखा रहे हैं। यह नेहरू जी की मूर्ति, नेहरू जी का बहुत लगाव था माउंटेनियर से, तो उसी के 1965 में उन्होंने बनाया ये यहाँ पर। हमारे सामने सर एक बार क्या आए हैं बांग्लादेश से, यहाँ हमारे साथ अभी करेंगे कोर्स। तो सर एवरीथिंग ओके? तो चलिए आपको ले चलता हूँ अभी, इस तरफ बाद में आएंगे, पहले इस तरफ चलते हैं। यह है ऑडिटोरियम, तो भाई सभी यहाँ पर एक शॉप भी है नंदा देवी करके, ये रहा उसके एक लाइब्रेरी, पढ़ सकते हो यहाँ पर। और ये शॉप ओपन होगी अभी, कोई भी इक्विपमेंट अगर आपके पास कम है कुछ भी तो यहाँ से आप ले सकते हो। और भाई लोगों को देखते हैं, तो भाई सोने सो तो बंद है, आपको झलक दिखाता हूँ। ये भी बंद हो गया, तो यहाँ है पूरे कपड़े अपने रखे हुए हैं पूरे, बाहर से देख लो। कोई भी इक्विपमेंट अगर आप नहीं लाए हो अपने साथ तो यहाँ से ले सकते हो, बहुत इजी है, सब कुछ मिल जाएगा आराम से। बंद है, पीछे हमारा पीछे मेडिकल रूम, जैसे हमें सब इक्विपमेंट मिले मेडिकल रूम, पीछे सबका धोबी वोबी कपड़े वपड़े धोने के लिए, जूता वूता फटता है सिलने के लिए, ये सब पीछे है। तो अब आपको लेके चलते हैं कैफे पे, कुछ भी भूख लग रही तो वहाँ खाइए। चलिए कैफे से पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है यहाँ पर म्यूज़ियम बन रहा है, अभी तो बना नहीं पर नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा। यहाँ सब कुछ देखने को मिल जाएगा आराम से, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से देख लेना आराम से, ठीक है। पीछे देख रहे हो, ये है पीछे म्यूज़ियम बन रहा है अभी, इस आगे तो जाने की हमें भी इजाज़त नहीं है, इससे बाहर नहीं जाना है। पर म्यूज़ियम देखो यार, चलो क्लोज से दिखाते हैं आपको। तो मैं यहाँ कलाकारी देखो आप कितनी शानदार करी है, काफी बड़ा है लग रहा है। हर जगह पे झूमर लगे हुए, कैसे हैं भैया? बहुत बड़ा बंदा है, अभी टाइम लगेगा तो बनने का, शायद नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट ईयर तो नहीं आ पाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर जरूर आएंगे, तो जरूर देखेंगे फिर ये म्यूजियम। अब आपको ले चलता हूँ कैफे पे, जहाँ पर आप कुछ भी जैसे मोमोज जिनको पसंद से खा सकते हो, चाउमीन है, मैगी है, कॉफ़ी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको ले चलते हैं फटाक से कैफे पे। ये क्या लेके चल रहे हैं? यह कैफे भैया इधर किसे दिखा रहे हैं? ये पूरा कैफे है, यहाँ पर कुछ भी आपको ऑर्डर करके खा सकते हो आराम से, बहुत रिजनेबल प्राइस है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। आप दूसरी जगह ले चलते हैं फटाक से। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, बर्ड्स जो मुझे बहुत पसंद है, इसके अंदर बर्ड्स रखे हुए हैं, बट कैच करके मज़ा नहीं आया। आपको दिखाता हूँ पैरोट, मतलब कौन से पैरोट है, वेट, Thank you.
तो भाई साहब ले चलते हैं, कुछ लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं उस तरफ। तो भाई साहब अभी कुछ लड़के खेल रहे हैं वॉलीबॉल और अपने साथ है भाई जॉइनिंग वॉलीबॉल। मैं नहीं करूँगा भाई, मेरे भी नहीं आता खेलना। व्हाई ब्रो, ये क्या खेल रहे, चक्का है? अरे गिरने का नहीं है भाई, हेलो। कुछ प्रैक्टिस हो ही रही है लौंडों की वॉलीबॉल की। हेलो भैया भैया भैया, मैं पन्नी खेलने का। हवा कहाँ है वॉलीबॉल में? तो भाई पीछे खेल रहे हैं वॉलीबॉल और यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं जो एडवेंचर कोर्स वालों के लिए हैं। दिखाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है। रोप टाइप की है, डबल रोप ब्रिज है। कुछ लौंडे खेल रहे हैं अपने इधर, ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल आई ये सॉरी बास्केटबॉल, लॉन्डो बास्केटबॉल। अरे हमारे नसरत भैया कहाँ हैं? नसरत भैया को देखा किसी ने?